हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मजे में होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेज़न में बल्क में कूपन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, और कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तभी आप कूपन क्रिएट कर पाएंगे, और कूपन के टाइप्स भी कितने हैं और इसके बेनिफिट भी क्या है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने लॉगिन कर लिया अमेज़न का सेलर सेंट्रल अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो फीडबैक रेटिंग, ये पेज आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे टैब है ना, वहाँ पे एक परफॉर्मेंस करके टैब दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ पे सेकंड टैब दिखाई देगा आपको फीडबैक। जहाँ दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये जो फीडबैक रेटिंग है ना, जो अभी तक आपने जितने भी प्रोडक्ट सेल किए ना उसके जो रेटिंग्स और रिव्यू आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होते हैं उसे फीडबैक रेटिंग कहते हैं, राइट। तो ये आपका 3 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 स्टार से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 3 स्टार से नीचे है तो आप कूपन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो आपको इंक्रीज करवाना होगा या फिर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हो जाता है तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको जाना है, मेन्यू बार में जाना है और वहाँ पे आपको आना है एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है, और वहाँ पे 4th नंबर का टैब दिखाई देगा आपको कूपन करके, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, कूपन का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे एक बारी में यानी कि वन टाइम प्रोसेस में बल्क में आप करोगे ना तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू अ सिस्टम इशू बल्क अपलोड कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ असिन। अगर 500 से ज़्यादा असिन का आप एक साथ बल्क में अपलोड करोगे ना तो उसे इम्प्लीमेंट होने में यानी कि लाइव होने में 40 घंटे तक का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आपको ट्राई यही करना है कि बिलो 500 ही आप असिन अपलोड करें बल्क में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड दिया गया है द मैक्सिमम डिस्काउंट डेट कैन बी सेट फॉर कूपन इज अपडेटेड टू 50%। आप 50% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते कूपन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एनी असिन एसोसिएटेड विथ द कूपन विथ डिस्काउंट परसेंटेज ग्रेटर देन 50% विल बी सफरेज्ड। अगर आप 50% से ज़्यादा डिस्काउंट दोगे तो आपकी लिस्टिंग पे कूपन तो लगेगा ही नहीं, लिस्टिंग सफरेज्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कूपन क्रिएट करते वक्त। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड कूपन विल बी स्टेक विथ सब्सक्राइब एंड सेव कूपन इफ दे आर अवेलेबल फॉर द सेम प्रोडक्ट। अगर आपने सब्सक्राइब एंड सेव कूपन में एनरोल कर रखा है, वही लिस्टिंग में आप कूपन भी लगाना चाहते हो, तो मान लो कि आपने सेव एंड सब्सक्राइब में 10% डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुके हैं आप, ठीक है, वही सेम प्रोडक्ट का आप कूपन भी क्रिएट कर रहे हो और उसमें भी आप 10% दे रहे हो तो कस्टमर को 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली एग्जाम्पल के तौर पे सारी डिटेल दे रखी है, ये आपको पहले रीड कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि सब्सक्राइब एंड सेव कूपन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूंगा, वहीं से डायरेक्ट आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसके बेनिफिट भी बता देता हूँ कि मैंने जो क्रिएट किए थे ना कूपन, उसके रिजल्ट क्या मिले मुझे। आप देख सकते हो मेरी सेल्स क्या गई थी, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कितने ऑर्डर रिसीव हुए, कितनी मेरी सेल गई कूपन के जरिए। तो एक बड़ा ही अच्छा तरीका है अपनी सेल इंक्रीज करने का, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं क्रिएट इन बल्क पे, ठीक है। तो जैसे हम क्रिएट इन बल्क पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डाउनलोड टेम्पलेट फाइल, तो इस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है तो टेम्पलेट फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपको सेव कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लेनी है टेम्पलेट फाइल को। उसके बाद हमने डाउनलोड तो कर ली है और ओपन भी कर लिए टेम्पलेट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी कुछ कॉलम में दे रखा है ना उसे ना ही तो एडिट करना है ना ही तो कुछ करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी ये दे रखा है सिर्फ आपको ये जो येलो दे रखी है ना रो, उस पर ही अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है असिन लिस्ट, जिसका आप कूपन क्रिएट करना चाहते हो ना उसको आप उसके असिन को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में सेमी कॉलन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो इस तरह का कुछ दिया हुआ है, ठीक है, दोनों दो असिन के बीच इस तरह का आपको देना है, ठीक है, तो ही वो सेपरेट होगा।
उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्काउंट टाइप, डिस्काउंट क्या देना है आपको, रुपीज देना है या परसेंटेज देना है। दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या फिर आप परसेंटेज दे सकते हैं या फिर रुपीज दे सकते हैं, 20 रुपीज, 50 रुपीज या फिर 5%, 10%। ठीक है, तो ज्यादातर परसेंटेज यूज होते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कूपन डिस्काउंट परसेंटेज, जाहिर सी बात है आपने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लिखा है तो यहाँ पे वही आएगा, यहाँ पे अगर ऑफ लिखता हूँ तो यहाँ पे रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रुपीज की वैल्यू आपको डालनी रहेगी, दोनों का अलग अलग है आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कूपन डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ और यहाँ पे लिखा है कूपन डिस्काउंट रुपीज ऑफ। ठीक है, तो अगर मैं रुपीज लेता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा कि 20 रुपीज का मुझे डिस्काउंट देना है, ठीक है, तो ये डिलीट मैं कर दूंगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज लेता हूँ तो यहाँ पे 10% मैंने डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है कूपन टाइटल, आपको क्या टाइटल देना है, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है मेंस एक्टिव वियर फ्रॉम अमेजोन एसेंशियल करके। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, यहाँ पे मैं वेस्टर्न वियर भी डाल सकता हूँ, वेस्टर्न वियर टॉप, जो भी आपको मतलब लिखना हो, जो कूपन का टाइटल देना है आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कूपन का बजट कितना रखना है, क्योंकि जो आप डिस्काउंट दोगे ना वो इसमें से माइनस होगा, मतलब उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं आज क्रिएट करूंगा ना तो 2-3 महीने के लिए ही करूंगा, या फिर मैं देखूंगा कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं बीच में ही उसे मतलब पोस्ट कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5,000 बजट ऐड कर दे रहा हूँ। कूपन स्टार्ट डेट, कब से कूपन स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं आज से ही कर दूंगा। ठीक है, आज की डेट अगर मान लो कि 14 जून है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। देखिए ये जो डेट का फॉर्मेट है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे YYMMDD है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे 2023-6-14। ठीक है, ये हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद कूपन एंड डेट, कूपन की एंड डेट होती है विदिन 19 डेज, 3 महीने के लिए होता है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं अगस्त की डाल देता हूँ, 14 अगस्त को ये कूपन मेरे एंड हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया है, थोड़ा करेक्शन था डर में वो कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है लिमिट रिडेम्पशन टू 1, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, ये नहीं एक कस्टमर को एक बार ही होना चाहिए, ये नहीं कि मल्टीपल टाइम्स वो हमारे कूपन को रिडीम करता रहे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है टारगेट सेगमेंट, आपको किसको टारगेट करना है, सारे कस्टमर को करना है या फिर अमेजोन प्राइम मेंबर को, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा सारे कस्टमर को, क्योंकि प्राइम मेंबर कितने हैं इंडिया में, 30 या 35% है ना, बाकी 65% थोड़ी ना नॉन प्राइम है कस्टमर सारे, तो यहाँ पे आपको सारे बायर्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि ऑल कस्टमर को सिलेक्ट कर देना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस टेम्पलेट को सेव कर देंगे, सिर्फ कंट्रोल एस करके सेव कर देना है। ठीक है, हम वापिस आ जाते हैं अमेजोन के सेलर सेंट्रल पे, और यहाँ पे चूज अ फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप चूज अ फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और ये विदिन 6 आवर्स के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, लाइव। अगर ये दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो ना तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।